यंग एज प्रोस्टेट कैंसर उसको कहते हैं अगर आपकी एज प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोसिस के टाइम पे 60 साल से कम होए। तो अगर आप भी यंग हैं यानी 60 साल से कम और आपको प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस हुआ है तो आप ये फुल वीडियो देखिए। मैं इसमें यंग एज प्रोस्टेट कैंसर के सारे सिम्टम्स, सारे टेस्ट्स और सारे ट्रीटमेंट डिस्कस करूँगा। मैं डॉक्टर आशीष सबरवाल, प्रोस्टेट कैंसर स्पेशलिस्ट और रोबोटिक सर्जन, न्यू दिल्ली इंडिया से बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो यंग एज में प्रोस्टेट कैंसर के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे कॉमनली पेशेंट्स को कैंसर के बारे में रूटीन चेकअप में ही पता चला होता है, ऑफिस के थ्रू या अपने आप ही जनरल हेल्थ चेकअप के लिए गए हैं और उसी जनरल हेल्थ चेकअप के टाइम पे पीएसए बढ़ा हुआ था, बायोप्सी हुई है, उसमें कैंसर डिटेक्ट हुआ है। उनको कोई सिम्टम नहीं था, कोई साइन नहीं था कैंसर का, बस वो रूटीन चेकअप के लिए गए और वहाँ पर उनका प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस हुआ है। सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन तो ये होती है। इसके अलावा कई लोगों को यूरिन में प्रॉब्लम होती है, यूरिन रुक रुक के आता है, यूरिन में जलन होती है या यूरिन में ब्लड आता है। इसके अलावा बॉडी एक या बैक एक, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर आपका प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस हुआ है तो सबसे पहला स्टेप है कि उसमें आपको स्टेजिंग करनी चाहिए कि वो कैंसर की स्टेज क्या है, मतलब कि वो कैंसर सिर्फ प्रोस्टेट में ही है कि और कहीं पे भी फैला है। पेट स्कैन में पूरी कैंसर की स्टेजिंग का पता चलता है कि कैंसर सिर्फ प्रोस्टेट में है कि कहीं और बॉडी में फैला भी है। तो अगर आपका प्रोस्टेट कैंसर है और आपने पेट स्कैन किया है और उसमें पता चलता है कि कैंसर सिर्फ प्रोस्टेट में लोकलाइज्ड है, तो लोकलाइज्ड प्रोस्टेट कैंसर के क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। लोकलाइज्ड प्रोस्टेट कैंसर के तीन ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, एक्टिव सर्वेलेंस, सर्जरी और रेडियोथेरेपी। तो आइए इन तीनों चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक्टिव सर्वेलेंस का तो ये मतलब है कि आपका कैंसर डायग्नोस हुआ है, आपको कोई सिम्टम नहीं है तो आप सोचो कि मैं ठीक तो हूँ, मेरे को कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, और आप कोई ट्रीटमेंट ना कराओ, सिर्फ एक्टिव सर्वेलेंस कराओ। एक्टिव सर्वेलेंस का मतलब हर साल आप पीएसए टेस्ट कराओगे, हो सकता है एमआरआई कराओ, हो सकता है साथ में बायोप्सी कराओ, तो ये सारी चीज़ें आपको रेगुलरली करानी पड़ेंगी। आइडियली जब आपका कैंसर डायग्नोस होता है तो हमारे को पता नहीं होता कि वो अग्रेसिव कैंसर है कि बिनाइन कैंसर है। काफ़ी बारी जो बायोप्सी करते हैं और फाइनल पैथोलॉजी आती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो एक्टिव सर्वेलेंस मैं किसी भी यंग हेल्दी पेशेंट को नहीं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि आप सोचिए कि अगर आप 50 साल में आपका कैंसर डायग्नोस हुआ है तो आप अगले 20 साल में आपको लगता है कि वो कैंसर वैसा का वैसे रहेगा, डेफिनेटली वो कैंसर बढ़ेगा, बॉडी में और भी फैल सकता है। तो आप जो भी ट्रीटमेंट कराएंगे, तो अगर अभी कराएंगे तो आपके रिजल्ट्स बेटर होंगे, और अगर आपको 10 साल 20 साल वेट करोगे तो हो सकता है आप इतने फिट ना हो, आपके ट्रीटमेंट के आउटकम्स रिजल्ट्स इतने अच्छे ना हो जो आपके 50 साल की उम्र में रिजल्ट्स होंगे। तो अगर आपका प्रोस्टेट कैंसर यंग एज में डायग्नोस हुआ है, बेस्ट है कि उसको ट्रीट करा के कैंसर फ्री होइए। एक्टिव सर्वेलेंस मैं तभी बताऊंगा अगर पेशेंट को कोई बहुत बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो ट्रीटमेंट कराने के लिए फिट नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग थोड़ा बहुत दवाइयाँ देके कैंसर कंट्रोल में रख सकते हैं, लेकिन उससे कैंसर क्योर नहीं होता। तो ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ दो मेन ऑप्शंस हैं, एक तो रेडियोथेरेपी और एक है सर्जरी। आइए इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो देखिए, एक तो हुई सर्जरी और एक हुई है रेडियोथेरेपी। सर्जरी में क्या करते हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिन का रास्ता है, यहाँ पे पीनिस होता है, ये टेस्टिस होती है, ये सारा पार्ट बाहर होता है, अंदर होता है, प्रोस्टेट यहाँ पर होता है और प्रोस्टेट के पीछे सेमिनल वेसिकल्स होते हैं। तो सर्जरी में क्या करते हैं कि पूरे के पूरे प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल्स निकालते हैं और साथ में साइड में लिम्फ नोड्स होते हैं, इन लिम्फ नोड्स को निकालते हैं, तो ये सारा का सारा निकाल देते हैं और इसको बायोप्सी के लिए भेजते हैं। रेडिएशन में क्या करते हैं, इस पूरे एरिया को रेज देते हैं और ये रेज टोटल 6 हफ्ते चलती है, 6 वीक्स का कोर्स होता है और साथ में 2 साल हार्मोन्स देते हैं, हार्मोन इंजेक्शन देते हैं। तो सर्जरी में तो क्या होता है कि जब ये बायोप्सी करते हैं और बायोप्सी की रिपोर्ट करीब 10 दिन में आ जाती है और 10 दिन में पता चल जाता है कि वो जो प्रोस्टेट के अंदर कैंसर था वो सिर्फ प्रोस्टेट के अंदर है कि वहाँ से बाहर निकल रहा है, या जो सेमिनल वेसिकल्स हैं सेमिनल वेसिकल्स के अंदर जा रहा है या लिम्फ नोड्स के अंदर गया है, ये सारा कुछ बायोप्सी में 10 दिन में पता चल जाता है। तो हमारे को एग्जैक्ट स्टेजिंग पता चल जाती है कि वो कैंसर जो था वो लोकलाइज था और पूरा निकल गया है कि नहीं निकला है, और उसी के बाद हम आगे की ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। लेकिन रेडिएशन में हमने कुछ निकाला नहीं है और साथ में हार्मोन्स दे दिए जिससे पीएसए वैसे ही कम रहेगा, तो इससे हमारे को 2 साल तक जब तक हार्मोन चल रहे हैं पता ही नहीं चलेगा कि कैंसर क्योर हुआ है कि नहीं हुआ।
अब अगर सर्जरी के बाद कैंसर क्योर हो जाता तो PSA जीरो हो जाता है, लेकिन रेडिएशन के बाद जब हार्मोन चल रहे हैं तो 2 साल तक PSA फ्लक्चुएट करते रहेगा, कभी बढ़ेगा कभी कम होएगा, तो आपको हमेशा एंग्जाइटी बनी रहेगी, और जब ज़्यादा एंग्जाइटी होगी तो बार बार बायोप्सी भी करानी पड़ सकती है। एंड ऑब्वियसली आपको अगर आपने एक बार ही बायोप्सी कराई है वो पता ही है कि बायोप्सी कितना अनकम्फर्टेबल प्रोसीजर होता है, तो आप बार बार नहीं कराना चाहोगे। इसके अलावा सर्जरी का ये एडवांटेज है कि हम PSA को रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं, तो जैसे ही PSA बढ़ेगा तो हमारा पता चल जाएगा कि इसमें कैंसर वापस आ रहा है और हमारे को और एडिशनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो हम आराम से उसका रेडिएशन कर सकते हैं। या बायोप्सी के अंदर आया है कि प्रोस्टेट कैंसर जो है वो प्रोस्टेट के बाहर निकला हुआ है थोड़ा बहुत, तो हम लोग इजीली रेडिएशन का प्लान कर सकते हैं। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इमिजिएटली रेडिएशन का प्लान कर सकते हैं विदिन 3 to 6 months। लेकिन रेडिएशन में क्या होता है, एक तो 2 साल तक हार्मोन चल रहे हैं, तो इस हार्मोन्स की वजह से 2 साल तक पता ही नहीं चलता कि कैंसर क्योर हुआ है कि नहीं हुआ, और जब हम हार्मोन बंद करते हैं फिर हमारे पता चलता है कि एग्जैक्टली रेडिएशन ने कितना काम किया है और अभी कैंसर की क्या स्टेट है। अगर रेडिएशन ने काम कर दिया है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं काम किया तो आपने ऑलरेडी 2 साल की डिले कर दी है कि आपने और कोई एडिशनल ट्रीटमेंट ही नहीं लिया। दूसरी बात, रेडिएशन से जो प्रोस्टेट का टिश्यू होता है वो सराउंडिंग ब्लैडर से रेक्टम से ज़्यादा चिपक जाता है, और उसकी वजह से प्रोस्टेट को निकालना सर्जरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो यानी कहने की ये बात है कि अगर सर्जरी कराओ तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट रेडिएशन हम एक तो जल्दी ले सकते हैं और हर पेशेंट में हम लोग रेडिएशन करा सकते हैं, बट रेडिएशन के बाद आप फंस जाओगे, एक तो 2 साल तक पता नहीं चलेगा कि आपको और कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि नहीं है, और बाद में अगर सर्जरी की ज़रूरत हो भी जाए तो सर्जरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो इसलिए या तो काफ़ी बारी डॉक्टर्स मना कर देते हैं, और डॉक्टर्स विलिंग भी होते हैं तो पेशेंट मना कर देते हैं कि हमारे को सर्जरी नहीं करानी। इसके अलावा आपकी एज यंग है तो बुढ़ापे में प्रोस्टेट की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे यूरिनरी ब्लॉकेज होता है, ब्लड आता है यूरिन में, तो एक बारी प्रोस्टेट निकल जाएगा सर्जरी से तो आपको यूरिनरी प्रॉब्लम्स या यूरिन में ब्लड आना ये सब का रिस्क भी कोई नहीं होगा, लेकिन रेडिएशन के बाद थोड़े टाइम के बाद आपको यूरिनरी ब्लॉकेज, यूरिन में ब्लड आना ये सब प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। और एक बात कि जिन्होंने भी रेडिएशन कराई है 3 से 5% पेशेंट्स को लोकल टिश्यूज़ में जैसे कि ब्लैडर में या रेक्टम में कैंसर बन सकता है 20 साल के बाद। तो अगर आपकी एज 50 साल है जब आप कैंसर डायग्नोस हुआ और आपने रेडिएशन करा ली, तो आप लगा लीजिए कि 70 साल में आपको रेक्टल कैंसर या ब्लैडर कैंसर 3 से 5% पेशेंट्स में हो जाता है। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक है स्पेशली यंग एज में रेडिएशन लेने का, कि आपको बाद में दूसरे कैंसर भी बन सकते हैं चाहे प्रोस्टेट कैंसर ठीक भी हो जाए। तो डेफिनेटली अगर आपका यंग एज में प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस होता है और वो लोकलाइज्ड है, प्रोस्टेट से बाहर नहीं निकला है, तो आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है वो सर्जरी है। तो जब आपका प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस होता है तो आपको सबसे पहले वो स्टेजिंग करनी चाहिए और आपको पता चलना चाहिए कि PSA कितना है, स्टेजिंग कितनी है, ग्लीसन कितना है, पेट स्कैन की क्या रिपोर्ट है, MRI की क्या रिपोर्ट है, उससे हमारे को एग्जैक्ट स्टेज पर चलेगी और एग्जैक्ट ग्रेड पर चलेगा, पता चलेगा कि आपका कितना अग्रेसिव कैंसर है, उसके लिए क्या बेस्ट ट्रीटमेंट है। अगर आपका लोकलाइज कैंसर होता है तो उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट सर्जरी है, और सर्जरी में भी रोबोटिक सर्जरी जो रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी होती है और हम लोग डाविंची रोबोट पे करते हैं, वो बेस्ट ट्रीटमेंट है। रोबोटिक सर्जरी की स्पेशलाइज ट्रेनिंग मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी USA में 2008 से 2011 में करी थी। उस टाइम हम लोगों ने 3 साल की ट्रेनिंग में 1000 से ज़्यादा रोबोटिक सर्जरीज करी थी, और उसके बाद मैं इंडिया वापस आके अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में मैंने रोबोटिक सर्जरी का प्रोग्राम स्टार्ट किया, और यहाँ पे हम लोग प्रोस्टेट कैंसर की रोबोटिक सर्जरी रेगुलरली कर रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी की रिकवरी काफ़ी अच्छी होती है, इस सर्जरी में कोई मेजर कट नहीं होता, 5 छोटे छोटे होल्स के थ्रू हम लोग पूरी सर्जरी करते हैं, और जो विजन है वो भी 3D विजन होती है जिससे बिल्कुल रियलिस्टिक ओपन सर्जरी की तरह अंदर देखते हैं, और मैग्नीफाइड व्यू होता है तो जो 2 मिलीमीटर की चीज़ है वो 10 मिलीमीटर की दिखती है, तो उससे सर्जरी ज़्यादा प्रिसाइज होती है और कॉम्प्लिकेशंस भी कम होती हैं। इस सर्जरी में ब्लड लॉस ना के बराबर है, मैंने जेहोवाज विटनेसेस की भी सर्जरी करी हुई है, उन पेशेंट्स में एक रिलीजन बिलीफ होती है कि वो ब्लड नहीं एक्सेप्ट करते, तो वो मर भी जाएंगे लेकिन वो कहेंगे कि हमारे को ब्लड नहीं चाहिए, तो ऐसे पेशेंट्स की भी हमने सर्जरी करी थी और उनको कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ी और वो ठीक होके गए हैं। इसके अलावा पेशेंट्स हॉस्पिटल में 2 या 3 दिन रहते हैं, उसके बाद वो आराम से घर जा सकते हैं, कैथेटर लगा रहता है, कैथेटर 10 दिन के लिए रखते हैं और वो 10 दिन के बाद निकाल देते हैं। हम लोग नर्व स्पेरिंग रोबोटिक सर्जरी करते हैं और जिसमें हम लोग एमनियोटिक नर्व रैप भी लगाते हैं,
इसकी वजह से यूरिन कंट्रोल और सेक्सुअल फंक्शन की रिकवरी काफ़ी क्विक है। यूजली पेशेंट्स को एक दो महीने में ही फुल कंट्रोल आ जाता है। मैंने अभी तक 2000 से ज़्यादा रोबोटिक सर्जरीज प्रोस्टेट कैंसर की करी हैं। हम लोग ये वाला ट्रीटमेंट अपोलो में रेगुलरली कर रहे हैं। और आपको ये बताना चाहूँगा कि स्पेशली अगर आप यंग हो तो यंग पेशेंट्स की हमेशा रिकवरी बेटर होती है, उनको हॉस्पिटल में कम रहना पड़ता है, वो नॉर्मल काम पे ज़्यादा जल्दी जा सकते हैं और उनका यूरिन कंट्रोल और सेक्सुअल फंक्शन भी अच्छा रिकवर करता है। तो आपको सर्जरी कराने से डरने की कोई बात नहीं है। तो अगर आपको भी प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोसिस हुआ है और आप हमें कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।